अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हम जाने लगे हैं अपने चाचू के घर जाने लगी हूँ अपने मामा के साथ। तो चलें थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा बनता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। या मैं थोड़े शशके शुशके मार रही हूँ देख सकते हैं आप। जी तो ये हम घर से निकल के, ये हमारा छोटा सा गाँव जो कि अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। दो तीन गाँव आपस में मिल गए हैं जी। हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र नहीं। ये है मेरी मामा जी। तो ये बहुत मुश्किल, मुझे तो लगता है ये व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग ऐसे रास्ते में देख रहे होते हैं आपको जैसे कोई आप अजीब ही महलूक हो। या मेरा मोबाइल ज़रा ऐसे हो रहा था क्योंकि बहुत लोग देखते हैं और मुझे शर्म आ रही थी। सब लोग मुझे देख रहे थे कि इसके हाथ में मोबाइल है। और यहाँ गाँव में ये चीज़ अच्छी भी नहीं समझी जाती कि मोबाइल हो किसी के पास, किसी लड़की ने हाथ में मोबाइल पकड़। ये देखें जी, ये आपने क्या देखा है अभी। चले हैं, ये ऐसे ही थी सड़कें, फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर सकती थी ना। हर कोई मुझे देखता था इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है इसने। ये मेरी माम पीछे रह गई थी, बार बार उनको पकड़ना पड़ता था। मैं मोबाइल छुपाया तो था अपने अबाय के अंदर किया हुआ था, पर फिर भी लोगों की नज़र पड़ रही थी जी। ये है एक छोटी सी गली, वो छोटी सी है। ये है मेरे चाचू का घर, ये वाला जो है ना जी है जी। तो आप बेल बजाते हैं सर जी, बेल बजाते हैं। बेल बजाए, आंटी बाहर आई, वो मैंने वहाँ से नहीं बनाया, फिर डायरेक्ट अंदर चले गए। ये कज़न सोई हुई है और ये उसका भाई, साथ साथ टीवी देख रहा था कार्टून और साथ खेल रहा था डॉल हाउस के साथ। चलें आगे सुनाती हूँ क्या होता है। ये देखें जी, ये शिवा कार्टून देखें, शिवा कार्टून देख रहा था साथ साथ और साथ साथ डॉल हाउस के साथ खेल रहा था जी। तो इसने अपनी बहन का डॉल हाउस ऐसे डेकोरेट किया हुआ था। ये सारी चार दीवारी की हुई है, गाड़ियाँ खड़ी की हैं और वो सोई हुई है, उसको कोई पता नहीं। नहीं तो ये उठ जाए तो बहुत लड़ाकी है, इसने लड़ जाना था अपने भाई के साथ। भाई फाल से बुला गया। अच्छा चले, ये देखें जी कैसे उसने दरवाज़ा बनाया है। ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी की हुई हैं अपनी, बाहर सोफ़ा रखा हुआ है, अंदर भी सारा कुछ सेट किया हुआ था। वो पीछे से था, वो मैंने दिखाया नहीं। ये उठ गई अब तो, ऐसे ही मस्तियाँ कर रही थी फिर उठ के। इसकी तबीयत नहीं थी ठीक इसलिए इतना बोली नहीं, तो बहुत बोल दिया ये माशाल्लाह।